मुरादाबाद के दयानंद डिग्री कॉलेज में स्वर्गीय डॉक्टर विमला देवी गुप्ता की स्मृति में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। साथ ही सभी ने उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और कई छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। आज दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज मुरादाबाद की संस्थापिका प्राचार्य डॉक्टर विमला देवी गुप्ता की स्मृति में एक सम्मान समारोह का आयोजन महाविद्यालय परिसर में हिंदी विभाग के तत्वाधान में किया गया, जिसमें उनके दोनों पुत्र पुत्री पुत्रवधु व दामाद सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रबंधक उमाकांत गुप्त ने की। महाविद्यालय के प्रबंधक प्राचार्य डॉक्टर जॉनी गर्ग व अतिथिगण के द्वारा सर्वप्रथम माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संस्थापिका प्राचार्य की पुत्री डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता, जो कि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने छात्राओं को उनके स्वास्थ्य एवं स्त्री रोग से संबंधित विस्तृत जानकारी दी तथा छात्राओं से उनके स्वास्थ्य के विषय में खुलकर संवाद किया। छात्राओं को भी अपनी समस्याएं बताने में विशेष सहजता महसूस हुई। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बता रही हूँ, थोड़ी सी बातें जो कि है स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, उसके बारे में ऐसा गायनेकोलॉजिस्ट बता रही हूँ, जो कॉमन प्रॉब्लम आप सबको हो सकती है, आप फेस करते होंगे लेकिन आप बता नहीं पाते होंगे, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बस बता रही हूँ। एक तो ये कि सबसे पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका थोड़ा हमको ध्यान रखना चाहिए, उसकी एक लेंथ होती है, एक पीरियड होता है जो कि हम 21 to 35 days लेते हैं। अगर किसी भी बच्चे को 21 days से कम डेज में साइकिल होती हो या 35 days से ज़्यादा साइकिल होती हो तो उसको एक बार अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, और हो सकता है अगर बार बार ऐसा होता हो तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संस्थापिका प्राचार्य दो विषयों संस्कृत व हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त थीं, इसलिए उनकी स्मृति में उनके परिवार द्वारा संस्कृत व हिंदी विषय में सर्वोच्च स्थान पाने वाली छात्राओं कुमारी साक्षी, एमए उत्तरार्थ, कुमारी मुस्कान परवीन बीए द्वितीय वर्ष को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर प्रबंधक ने छात्राओं को संबोधित किया। जितना समय था पूरा समय दिया, परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी शिक्षक होने की जिम्मेदारी पूरी निभाई और कॉलेज को अपना पूरा समर्पण किया। क्यों? क्योंकि वो प्राचार्य ऐसी थी जिन्होंने आदर्श किया रखा, और जब ऊपर का आदमी आदर्श रखता है और एक प्रेरणा देता है तो सब उसको फॉलो करते हैं। गंगा हिमालय से बहती है, नीचे से नहीं बहती, ऊपर वाला अगर ठीक है तो नीचे सब ठीक होगा। तो आज मैं तो चूँकि हमारा तो पारिवारिक संबंध थे तो मैं तो उनको याद करता हूँ, नमन करता हूँ, और निस्संदेह उन्होंने जो परंपराएं छोड़ी, जो ऊंचे आदर्श प्रतिमान स्थापित किए वो आज भी है। इसलिए मैं संस्थापिका प्राचार्य श्रीमती विमला देवी गुप्ता को जहाँ नमन करता हूँ वह श्रद्धापूर्वक स्मरण भी करता हूँ। कार्यक्रम का संयोजन व संचालन हिंदी विभाग की विभाग अध्यक्षा डॉक्टर कंचन सिंह ने किया। आभार अभिव्यक्ति प्राचार्य डॉक्टर जॉनी गर्ग ने दी। कार्यक्रम में विशेष सहयोग हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर स्नेहा कुमारी, डॉक्टर छाया रानी का व समस्त महाविद्यालय परिवार का रहा। इस अवसर पर छात्राएं व प्रवक्ताएं उपस्थित रहीं। संस्कृत विभाग अध्यक्षा डॉक्टर अंजलि उपाध्याय का भी अपेक्षित सहयोग रहा। साथ ही अंग्रेजी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना राठौर, श्रुति जायसवाल, निशा यादव आदि उपस्थित रहे। आज हमारे महाविद्यालय में हमारी जो संस्थापिका प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती विमला देवी गुप्ता जी, जो जिनका निधन पिछले वर्ष हो गया, उनकी स्मृति में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, और उनका बहुत लंबा कार्यकाल रहा यहाँ पर, लगभग 31 वर्षों का, जो कि बहुत उम्दा काम उन्होंने किया इस महाविद्यालय में। हमारे संस्थापक जो इस महाविद्यालय के थे, श्रद्धेय श्री दयानंद गुप्त जी, उनके साथ उन्होंने कदम से कदम मिला करके इस महाविद्यालय को पूरी तरह से अपना योगदान दिया। बहुत सारा अभी जैसे अभी प्रबंधक महोदय आपको बता रहे थे कि महाविद्यालय में जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जो उनकी देन हैं। लाइब्रेरी को उन्होंने बहुत विस्तृत किया, और उनका योगदान ऐसा था कि स्वयं उन्होंने बहुत शिक्षा ली। उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियाँ, और
आज जो है उनका परिवार यहाँ पर आया हुआ है इस स्मृति सम्मान समारोह में, और उनका परिवार ही हमारी जो संस्कृत की और हिंदी की जिस जो सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं हैं उनको उन्होंने नकद पुरस्कार देकर के पुरस्कृत किया है अपनी माता जी की स्मृति में।